वेलकम टू डेली न्यूज़ 24। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो उडारिया के बारे में। अब उडारिया के आने वाले एपिसोड में आपको काफ़ी बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब फतेह और तेजो को अलग करने के लिए जैस्मिन उठाने वाली है काफ़ी बड़ा कदम। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर फतेह के परिवार वाले जैस्मिन की जमकर बेइज्जती करते हैं। हालांकि यहाँ पर जैस्मिन और फतेह के रिश्ते का साथ सभी घर वालों के सामने नहीं आता है, लेकिन इसी के बाद यहाँ पर फतेह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है ये सोच के कि आखिर जैस्मिन क्या कर रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से उसके परिवार वालों ने उससे बात की है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगी। और इसलिए यहाँ पर फतेह जैस्मिन से मिलने के लिए प्लान बनाता है। वो जैस्मिन से फ़ोन करके 4 बजे मिलने के लिए बोलता है। इसी के साथ यहाँ पर फतेह जैस्मिन को ये भी बता देता है कि 6 बजे तक उसे वापस घर जाना है, क्योंकि तेजो उसके घर पर इंतज़ार कर रही होगी। और यहाँ पर फतेह की बातें सुनकर जैस्मिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। और यहाँ पर जैस्मिन ने ठान लेती है कि अब वो भी देखती है कि कैसे फतेह 6 बजे घर वापस पहुँचता है तेजो के पास। जिसके बाद यहाँ पर फतेह जैस्मिन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करता है, वो उसे बार बार फ़ोन करता है, लेकिन यहाँ पर जैस्मिन फतेह का एक भी कॉल नहीं उठाती है। और वो अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है जिसमें वो फतेह से आखिरी मुलाकात के बारे में बात करती है। और ये पढ़कर फतेह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर अब जैस्मिन क्या करने वाली है, कहीं जैस्मिन कुछ गलत ना कर बैठे। और यही सोच के यहाँ पर फतेह जैस्मिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजो पूरी तरह से तैयार होकर फतेह का इंतज़ार कर रही होती है। वो बार बार फतेह को कॉल कर रही होती है, लेकिन फतेह उसका एक भी कॉल नहीं उठाता है, जिसकी वजह से तेजो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होने वाला है, आखिर यहाँ पर जैस्मिन कहाँ गई है, आखिर जैस्मिन के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो क्या करने वाली है। देखना दिलचस्प होगा। सीरियल उडारिया जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।